संसार में दो शक्तियां हैं, एक है तलवार और दूसरी है कलम। मोहम्मद अली जिन्ना का ये कोट काफी फेमस है। जिन्ना से आखिर कौन वाकिफ नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्ना का क्या रोल अदा हुआ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में? भारत की आजादी से लेकर देश के बंटवारे तक में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा किरदार सामने आता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन्ना के जीवन से जुड़ी कुछ कहीं अनकहीं बातों की। उनके बचपन से लेकर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने का सफर कैसा था, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे उनकी सोच स्वतंत्र भारत और कांग्रेस के लिए पूर्णतः बदल गई। मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे मुस्लिम लीग के नेता थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान में उन्हें आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता और बाबाए कौम यानी राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय का साथ दिया। उस समय तो वो कांग्रेस की नीतियों से ताल्लुकात रखते थे और उनका सहयोग भी करते थे। 1928 के बाद जिन्ना ने राजनीति नीति में आश्चर्यजनक परिवर्तन करते हुए अपनी जाति का विश्वास प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक नीतियों को अपनाया और इसका प्रयोग राजनीति में किया, जिसकी वजह से मुसलमान जाति उन्हें अपना देवता मानने लगी। उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय को ये समझाया कि अगर संयुक्त भारत में बहुमत का शासन का अर्थ होगा मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना और इस्लाम संकट में पड़ जाएगा। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में वे राष्ट्रवादी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते थे। मुस्लिम लीग में प्रवेश के बाद कट्टर मुसलमानों के संपर्क में आकर हिंदू और मुस्लिम एकता संबंधी विचारों का उन्होंने त्याग कर दिया। उसके बाद 14 अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। ऐसा मंजर सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की आजादी के साथ जन्म हुआ पाकिस्तान का और जिन्ना का मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना हुआ पूरा।